हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के? डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17। आज अपने इसका लास्ट पार्ट यानी थ्योरेटिकली लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट नंबर 7। इसके बाद 8th पार्ट में अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी जो क्वेश्चन है बुक के सारे और न्यूमेरिकल, दो ही न्यूमेरिकल हैं इसके, वो करेंगे। और 9th पार्ट में जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है वो करके इस चैप्टर को बिल्कुल नक्की कर देंगे, अपने एंड कर देंगे इस चैप्टर का। तो आज का जो टॉपिक है अपने, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वाला टॉपिक का। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अगर बुक है मेरे को करवाना भी पड़ेगा। अगर मान लो कल पेपर में आ गया तो आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था ये आएगा ही नहीं, लेकिन आने के बहुत कम चांस है। जो टॉपिक है ना, ये 11वां आयाम मॉडुलन, ये मैथमेटिकल टॉपिक है और आज तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। और अगर एग्जामिनर इस बार आपका ऐसे भी नहीं ठानेगा कि जो पेपर है वो अपने ज्यादा हार्ड बनाए, सिंपल पेपर बनाएगा वो, ठीक है, तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। आयाम मॉडुलन है और दूसरा है आयाम मॉडुलन तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो आयाम मॉडुलन क्या चीज होती है। आयाम मॉडुलन आपने पढ़ लिया था कि जो मॉडुलन का एक प्रकार आयाम मॉडुलन, इसमें क्या होता है कि जो आयाम है मॉडुलित तरंग का वो वाहक तरंग के बिल्कुल सेम होता है और चेंज होता रहता है टाइम के साथ। जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ती है और टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे उसका आयाम चेंज होता रहता है। कल आपने डायग्राम भी इसका बनाया था, मैंने आपको कहा था कि डायग्राम आप इसका ऐसा बना सकते हो कि आयाम मॉडुलित तरंग अपने इस तरीके से बना सकते हैं। उसका आयाम क्या होता है, बढ़ता रहता है, फिर उसके बाद ये ऐसे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे मेरे से तरंग बनी वैसे मैंने बना दी, तो आयाम चेंज होता रहता है। अब उसका गणितीय रूप अपने यहां पर दिया हुआ है। अब ना तो इन्होंने ऐसे अभी गणितीय रूप पूरे तरीके से दे दिया, ठीक है, और ना ही इसको छोड़ा है, बस बीच बीच का पार्ट ले लिया, मतलब कि थोड़ा बहुत ले लिया इसमें गणितीय जो पार्ट था इसका मैथमेटिकल। तो जितना दिया हुआ अपने उतना कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसको। बुक से डायरेक्ट कई बार बच्चों को नहीं समझ आता, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो खास करके नहीं आता। आप तो हिंदी मीडियम के, चलो आपकी बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ मैंने व्हाइटनर लगाया था, लिखना भूल गया। देखो जो सूचना संकेत है यानी मैसेज सिग्नल है उसकी समीकरण, यहाँ पर एम आएगा, ठीक है ना, आप लिख लेना, मैं लिख दूंगा जब इसको सही करूंगा। और यहाँ आएगा ए एम साइन ओमेगा एम टी, ये उसकी समीकरण है। और वाहक तरंग की जो समीकरण है ये होती है सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी। सी का मतलब यहाँ पर कैरियर वेव है, वाहक तरंग है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि जो अपना मैसेज सिग्नल है, संदेश संकेत है, उसकी फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर ओमेगा एम 2 पाई एफ एम। और जो इसकी फ्रिक्वेंसी है मतलब आवर्ती है, वो ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी के इक्वल आ गया, ठीक है, ये होता है। अब देखो जब अपने ये, तो चलो ये तो अपना मैसेज है, ये वाक तरंग, अब इन दोनों को मिक्स देखो कैसे करते हैं। और जो मॉडुलित संकेत है, मॉडुलित मतलब जब अपने मॉडुलन की प्रक्रिया हो गई है उसके बाद जो अपने पास सिग्नल आता है, मॉडुलित संकेत आता है, तो उसकी जो समीकरण है वो अपने देखो किस तरीके से लिखते हैं। उसकी समीकरण सी एम टी, ये मॉडुलेटेड वेव है, ठीक है। तो ये जो मॉडुलित वेव होती है, मॉडुलित तरंग होती है, आपके पास मॉडुलित सिग्नल होता है, वो किस टाइप का होता है, बिल्कुल जैसे आपकी वाहक तरंग या कैरियर वेव, जो वाहक तरंग होती है उसके जैसा ही अपने को मॉडुलित संकेत मिलता है जिस मॉडुलन के बाद। आप देख लेना बिल्कुल एक जैसे से ही होते हैं दोनों, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि जो इसकी समीकरण है सी एम टी इज इक्वल टू, जो ये तो क्या आ जाएगी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है, वैसे तो ए साइन ओमेगा टी होता है। अब यहां पर आयाम की जगह तो ये आएगा, क्योंकि जो अपना मॉडुलित संकेत है उसका आयाम क्या होगा कि एक तो ए सी जो अपनी वाहक तरंग है उसका आयाम, और किसी टाइम टी, मान लो आपको कह दे कि 5 सेकंड पर आपको मॉडुलित तरंग का आयाम चेक करना है, तो जो इसका आयाम तो नियत ही रहता है, सॉरी इसका आयाम उस टाइम पे होगा कुछ ना कुछ ए सी, और ए एम साइन ओमेगा टी जो अपना मैसेज सिग्नल हो उसका भी 5 सेकंड पर कोई ना कोई आयाम होगा, दोनों के आयाम यहां पर जुड़ जाएंगे। और जो यहां पर अपने यूज किया है ओमेगा सी टी, ठीक है, ये ओमेगा सी टी यहां पर अपने यूज की हुई, तो थोड़ी यही मुझे परेशानी होती है, तभी थोड़ी वीडियो आपको लेट मिल पाती है कि कई बार खांसी आने लग जाती है मेरे को, काफी हटती नहीं है, मैंने हर तरह की दवाई ट्राई की है,
लेकिन ये पता नहीं इस बार कैसी, अब पहले से तो वो काफी कम है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बीच में। तो देखो अब अपने यहाँ पर ओमेगा सीटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो अपने को मॉडुलित तरंग मिलती है, मॉडुलित मतलब मॉडुलन के बाद में तरंग मिलती है, और जो अपनी वाहक तरंग होती है उसकी आवृत्ति लगभग सेम होती है, सेम ही होती है बिल्कुल। तो अपने यहाँ पर साइन ओमेगा सी टी ले रहे हैं, यानी यहाँ पर वाहक तरंग की आवृत्ति ले रहे हैं। है ये किसकी समीकरण, मॉडुलित तरंग की, लेकिन आवृत्ति आप वाहक तरंग की ले रहे हो। कारण उसका ये है कि मॉडुलित तरंग और वाहक तरंग की जो आवृत्ति है वो लगभग क्या होती है, सेम रहती है। अब यहां पर क्या है, सी एम टी इज इक्वल टू ए सी, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहां पर तो एक बचा और यहां पर ए सी नहीं है, तो ए सी से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर वाला ए सी बाहर चला जाएगा, नीचे वाला यहां पर आ जाएगा, ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये समीकरण कैसे लिखी, तो ये डायरेक्टली लिखी हुई है, कोई अपने को यहाँ पर डेरिवेशन नहीं दिया हुआ है, तो अपने को ऐसे का ऐसे याद रखना पड़ेगा। रट्टा लगा सकते हो तो रट्टा लगाओ इसका। अब इसको देखो यहाँ पर क्या है, सी एम टी इज इक्वल टू ए सी तो था ही ऊपर वन प्लस, और ए एम अपॉन ए सी को अपने क्या लिख दिया, एक कॉन्स्टेंट एम लिख दिया, और साइन ओमेगा एम टी और साइन ओमेगा सी टी यहाँ पर आ गया। अब एम यहाँ पर क्या है, ए एम अपॉन ए सी आयाम मॉडुलन सूचकांक इसको बोल देते हैं। देखो डेरिवेशन चाहे आपके ना ये ना याद रहे, लेकिन ये m इज इक्वल टू ए एम अपॉन ए सी, ये आपकी याद रहना चाहिए। ए एम है यहां पर जो संदेश संकेत है, मैसेज सिग्नल है उसका आयाम, और ए सी यहां पर वाहक तरंग का आयाम है। दोनों के अनुपात को अपने क्या बोल देते हैं, मॉडुलन सूचकांक यहां पर बोल देते हैं। अब देखो ऊपर वाली समीकरण से ही दोबारा यहीं से मैं लगता हूं इसी का, यानी कि ये नीचे लिखा हुआ है। अब यहां पर अपने क्या करते हैं कि जो ए सी साइन ओमेगा सी टी है इसको अंदर गुणा कर देते हैं, तो जब इसको एक से गुणा करेंगे तो ये ए सी साइन ओमेगा सी टी बनेगा, और एम साइन ओमेगा एम टी है ही, एम इंटू में साइन ओमेगा एम टी है ही यहाँ पे, और ए सी साइन ओमेगा सी टी यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, तो दोनों के साथ गुणा हो गया। अब देखो अपने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, और ये फॉर्मूला बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, बायो वाले स्टूडेंट को, क्योंकि ये फॉर्मूला 11वीं क्लास का फॉर्मूला है, 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री जो आती है उसमें आता है, 10वीं क्लास तक ये फॉर्मूला नहीं आता। वैसे जनरली ये फॉर्मूला 2 sin A sin B का होता है, लेकिन यहाँ पर इसको sin A into sin B का फॉर्मूला है ये। तो ये क्या होता है, cos A - B माइनस में cos A + B और साथ में 1/2। ये आपको ऐसे का ऐसे याद रखना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा, जो मैथ के बच्चे हैं उन्होंने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन बायो वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा कि ये टॉपिक इस बार आने के कोई चांस नहीं है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, मैं ऐसा कह सकता हूँ, ठीक है ना। 99.99% तो कोई चांस नहीं है इस टॉपिक के आने के। अब ये फॉर्मूला अपने देखो यहां पर अप्लाई करते हैं, कहां पर, कि जो अपने पास 2 sin ये वाले बन रहे हैं, तो जब 2 sin आपके गुणा में है, sin A into B, ए का काम यहाँ पर ओमेगा सी टी कर रहा है और बी का काम ओमेगा एम टी कर रहा है, तो इसको इस फॉर्म में इस रूप में चेंज करते हैं। तो देखो ए सी साइन ओमेगा टी ये तो पड़ा ही रहेगा, अब एम इंटू ए सी और साथ में cos A - B करेंगे, तो एम इंटू ए सी अपॉन में 2, ये वाला 2 आ गया, और cos ωCT - ωMT आएगा और टी कॉमन आ जाएगा, और बिल्कुल इस तरीके से ये दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो ये आपने पास क्या आ गई, मॉडुलित तरंग की समीकरण आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो आवृत्ति दी हुई है यहां पर ωC - ωM आ रही है, इसको निम्न पार्श्व आवृत्ति बोलते हैं, और ωC + ωM इसको उच्च पार्श्व आवृत्ति बोलते हैं, और ωC यहां पर वाहक तरंग की आवृत्ति है, क्योंकि ये आवृत्तियां वाहक तरंग के बिल्कुल पास में स्थित होती हैं, पार्श्व मतलब पास में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इससे कम होती है वाहक तरंग की आवृत्ति से, और ये थोड़ी सी ज्यादा, मतलब कि जो अपनी मॉडुलित तरंग है इसका मतलब क्या है, निम्न और उच्च पार्श्व वाकृति आवृत्ति का, कि मॉडुलित तरंग की आवृत्ति इन दोनों के बीच में रहती है, कि मिनिमम इतनी हो सकती है और अधिकतम इतनी हो सकती है, और जनरली जो वाहक तरंग की आवृत्ति ओमेगा सी है इसके बीच में ही रहती है, ये वाली जो आवृत्ति होती है, समझ आई इतनी बात। तो निम्न और उच्च पार्श्व आवृत्ति आपसे कह सकता है कि आपको 2 आवृत्तियां दे दे और आपसे पूछ ले निम्न और उच्च निकालो, तो आप जोड़ कर दो और माइनस कर दो, ठीक है। फिर यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है, कई बार मॉडुलित संकेत के आयाम ए मैक्सिमम से ए मिनिमम के मध्य परिवर्तित होता है, कि वैसे तो इसका आयाम काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन कई बार आपको न्यूमेरिकल में, और ये न्यूमेरिकल एक बार एक दो बार पेपर में आया भी हुआ है, कि आपको मैक्सिमम आयाम दे देंगे, आपको कह देंगे कि एक संकेत है उसकी जो वोल्टता है 5 वोल्ट से 2 वोल्ट तक चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पर ए मिनिमम की वैल्यू आपके पास ए मैक्सिमम की 5 आ जाएगी और ए मिनिमम की
2 आ जाएगी, तो आपको ऐसे दे देंगे, या कोई आपको करंट दे देंगे भी, एक मौलिक संकेत है और उसकी जो जो उसका जो करंट है वो 4 एम्पियर से 1 एम्पियर तक चेंज होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए मैक्सिमम ए मिनिमम, जो बड़ी वैल्यू है उसको मैक्सिमम और छोटी को मिनिमम लेना पड़ेगा। तो आपको कह देगा आयाम मॉडुलन सूचकांक यहाँ पर निकाल लो क्या होगा, तो आप इससे निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर आपके डायरेक्टली दिया हुआ है, ना ही इसका कोई डेरिवेशन है ना और यहाँ पर एक चीज नीचे भी दी हुई है कि m बराबर 0 हो जब तो कोई मॉडुलन नहीं होता है। जब m 0 और 1 के बीच में है, मतलब 1 से कम है 0 से ज्यादा है, यानी पॉइंट में है थोड़ा, तो तब जनरल मॉडुलेशन सामान्य मॉडुलन होता है वहां पर। ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, और जो अगर मान लो m की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी है 1 के बराबर है, तो इसको अपने अति मॉडुलन की स्थिति बोल देते हैं। तो प्रभावी मॉडुलन के लिए आप ये चीज देखो कि यहाँ पर आयाम मॉडुलन सूचकांक है तो इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, मतलब ऊपर वाली वैल्यू छोटी और नीचे वाली बड़ी होनी चाहिए, मतलब कि जो अपना मैसेज सिग्नल है उसका आयाम कम और वाहक तरंग का आयाम ज्यादा होना चाहिए, तभी अपना मॉडुलन है वो अच्छा और प्रभावी होगा। ठीक है, अब यहां से आपको इतनी सारी कहानी में चीजें पता क्या याद रखनी है, सबसे पहले नंबर पर आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब उसके बाद आपको याद रखना है आवर्ती, उच्च और निम्न पार्श्व आवर्ती, और तीसरे नंबर पर आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मूला। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है यहां पर, समझ आई बात। अब उसके बाद आयाम मॉडलित तरंगों का प्रेषण और अभिग्रहण भी, इनको भेजते कैसे हैं और इनको ग्रहण कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपके दी हुई है। ठीक है, तो जितनी शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है उतनी शॉर्ट फॉर्म में अपने इसको पढ़ेंगे कि आयाम मॉडलित तरंगों को कैसे भेजा जाता है और कैसे इनको ग्रहण किया जाता है। तो सबसे पहले प्रेषण, इनका ट्रांसमिशन, तो यहां से आज तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो इनका ओनली डायग्राम बनाया हुआ है कि आयाम मॉडलित तरंगों में प्रेषित्र का ब्लॉक आरेख बनाओ, या फिर प्रेषित्र, प्रेषित्र नहीं यहां पर आना था अभिग्राही, अभिग्राही का ब्लॉक आरेख, इसको भी सही कर लें, बुक में ये गलत दिया हुआ है, यहां पर आएगा अभिग्राही का ब्लॉक आरेख। तो आपको डायरेक्ट ऐसे आएगा या तो प्रेषित्र का बनाओ या अभिग्राही का बनाओ, ओनली डायग्राम आया हुआ है। अब ऊपर जो थ्योरी है ये आपकी बुक में भी इतनी डिटेल से नहीं दी, थोड़ी सी मैंने लिख दी ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ये थ्योरी कभी नहीं पूछता, मेन इसमें डायग्राम ही पूछता है। तो अब देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले प्रेषण भेजते कैसे हैं अपने, कि मॉडुलित संकेत को सीधा संचरित नहीं किया जाता, अब जो मॉडुलित कर देते हैं जब अपने संकेत को उच्च आवर्ती के संकेत में बदल देते हैं तो उसको सीधा नहीं डायरेक्ट भेजते, अब उसमें भी क्या होता है थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। अपने क्या कर देते हैं कि यहां पर जो सूचना संकेत है, जो अपना मैसेज सिग्नल है, इसके देखो आयाम मॉडुलक, मॉडुलक मतलब जिसके द्वारा मॉडुलन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है उसको मॉडुलक कहा जाता है। ठीक है, तो इधर से इंफॉर्मेशन सिग्नल आता है और ये मॉडुलक होता है, ये इसके अंदर वाहक तरंग को मिक्स कर देता है, तो ये अपना यहाँ पर मैसेज सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, मैसेज सिग्नल या अपने कह सकते हैं मॉडुलित संकेत बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, शक्ति प्रवर्धन में भेजते हैं, पावर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर यहां पर लगा होता है, जो क्या करता है कि जो इस संकेत की शक्ति को बढ़ा देता है, मतलब इसमें ऊर्जा को मिक्स कर देता है और ज्यादा, जिससे इसकी ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो अगर मान लो आपको लंबी दूरी तक दौड़ लगानी है तो आपके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा दूरी तक दौड़ सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। तो वही चीज है कि अगर आपको तरंगों को ज्यादा दूरी तक भेजना है तो उनकी एनर्जी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये शक्ति प्रवर्धन क्या करता है कि इन तरंगों की शक्ति को बढ़ा देता है। अब शक्ति वास्तव में ऊर्जा ही होती है, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में ऊर्जा जो जितनी प्रवाहित होती है, तो यहां पर शक्ति प्रवर्धन का काम है शक्ति बढ़ाना, या एक तरीके से ऊर्जा बढ़ा देता है, और ऊर्जा बढ़ा के ये एंटीना के पास भेज देता है, संप्रेषी एंटीना, जो एंटीना तरंगों को भेजता है और ये तरंगों को आगे भेज देता है। ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है मैंने कि मॉडुलित संकेत को सीधा संचरित नहीं किया जाता, मॉडुलेटर के साथ, मॉडुलेटर मतलब या मॉडुलक, जो मॉडुलक लिखा है या मॉडुलेटर एक ही बात है, जो मॉडुलन के काम में आता है, उसके साथ एक शक्ति प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर जोड़ा जाता है जो संकेत को आवश्यक शक्ति प्रदान करता है ताकि वह अधिक दूरी तक संचरित हो सके, वह फिर इसे एंटीना से संचरित या विकिरित करवाया जाता है, एंटीना से आगे भेजा जाता है। अब दूसरी साइड क्या प्रक्रिया होती है, पहले डायग्राम से समझो फिर अपने थ्योरी समझते हैं, कि दूसरी साइड एक ग्राही एंटीना लगा हुआ होता है।
ठीक है। अब दूसरी साइड जब संकेत पहुंचता है ना, अपना मैसेज सिग्नल पहुंचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पहुंचता है, तो जाते 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 उसकी ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, वैसे तो ऊर्जा उसको दी थी, लेकिन क्या हो जाता है कि रास्ते में उसकी ऊर्जा जाते 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 कम हो जाती है। तो यहां पर ग्राही एंटीना जब ये मैसेज सिग्नल को अपने वाले को ग्रहण करता है, ग्राही संकेत, तो उसका प्रवर्धन करते हैं सबसे पहले, मतलब एम्पलीफिकेशन करते हैं, मतलब उसकी ऊर्जा को पुनः अपने थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रवर्धक, प्रवर्धन का काम क्या होता है यहां पर, मतलब उसकी ऊर्जा को बढ़ाना। अब उसके बाद उसे आईएफ स्तर में भेजा जाता है। आईएफ स्तर क्या करता है कि जो ये वाली तरंगें होती हैं, पीछे से मैसेज सिग्नल आ रहा होता है, जो अपना संदेश संकेत जो आ रहा होता है, ये उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। अब आपको पता है कि जो अपना संकेत है वो तो निम्न आवृत्ति का था, ठीक है, तो दोबारा से अब ये क्या है, ये जो प्रक्रिया है इसमें अपने को संकेत को दोबारा प्राप्त करना है। मॉडुलन की प्रक्रिया में तो तरंग उसमें मिक्स हुई है, अब यहां पर जो प्रक्रिया होगी वो क्या प्रक्रिया होगी कि उस संकेत में से जो वाहक तरंग है उसको अलग करना और जो संकेत है उसको अलग करना, ताकि अपने उसको सुन सके। तो आईएफ स्तर का काम यहां पर ये होता है कि ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, आईएफ का मतलब यहां पर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, कि जो ये उच्च आवृत्ति की तरंग आ रही होती है ना, उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसकी जो आवृत्ति है ये पुनः से निमन कर देता है और कुछ हद तक उसमें से वाहक तरंग को निकाल भी देता है, ये जो आईएफ स्तर होता है। लेकिन आपकी बुक में ओनली इतने दिया हुआ है कि आईएफ स्तर का जो यहां पर काम है वो ये है कि इसको निम्न आवर्ती की तरंग में चेंज करना। अब यहां पर सहसूचक लिखा हुआ है, ये डिटेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ये डिटेक्टर क्या करता है कि अगर इस संकेत में वाहक तरंग मिक्स हुई है तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, वाहक तरंग को अगर अलग करता है, और जो अपना मैसेज सिग्नल है, जो अपना संदेश संकेत है, उसको अलग करता है। ठीक है, दोनों का वैसे काम आईएफ स्तर भी करता है, लेकिन आपको आईएफ स्तर का यहां पर काम लिखना है कि जो आईएफ स्तर यहां पर काम करता है वो क्या करता है कि निम्न आवर्ती की तरंग में चेंज करता है, जो उच्च आवर्ती की तरंग होती है उसको निम्न आवर्ती में चेंज करता है, और सहसूचक जो डिटेक्टर होता है वो उसमें से मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करता है भी इतनी फ्रिक्वेंसी का संदेश संकेत इसमें मिक्स है, उसको अलग कर लेता है, वाहक तरंग यहां से अलग हो जाती है, और फिर से जो अपना मैसेज सिग्नल है इसको एक प्रवर्धक के थ्रू इसकी थोड़ी सी आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, तीव्रता को बढ़ाया जाता है, और यहां पर अपने को वो संदेश प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर थ्योरी जो लिखी हुई है, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि ग्राही एंटीना द्वारा संकेत को ग्रहण किया जाता है, क्योंकि संचरण के साथ संकेत की तीव्रता या ऊर्जा कम हो जाती है, तो इसे बढ़ाने हेतु प्रवर्धक का उपयोग करते हैं। इससे गुजरने के बाद संकेत को आईएफ स्तर या इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, मध्य आवर्ती स्तर जिसको बोल देते हैं, से गुजार कर निम्न आवर्ती संकेत में परिवर्तित किया जाता है। सहसूचक इसमें से सूचना संकेत को अलग करता है, वह पुनः इसे प्रवर्धक में से गुजार कर उचित संदेश सिग्नल प्राप्त किया जाता है। ये आपका डायग्राम है यहां पर, ठीक है, डायग्राम ही आपको मेन इसमें याद करने हैं, तो यहां पर आपका ये चैप्टर हो जाता है पूरा। अब इसके बाद हालांकि एक टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी वाला है, जो कि आपके 60% सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार हटा दिया गया है, तो वो टॉपिक मैं नहीं करवाऊंगा। दो टॉपिक इस चैप्टर में से हटाए गए थे, एक विस्थापन धारा बिल्कुल स्टार्टिंग वाला, और बिल्कुल लास्ट वाला जो नैनो तकनीकी नैनो टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है, तो वो आपको नहीं करवाऊंगा मैं। तो यहां पर ये बच्चों चैप्टर हो जाता है अपना बिल्कुल एंड। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे इसके न्यूमेरिकल और जो बुक के क्वेश्चन है वो सारे, हालांकि आपको भी पहले ट्राई करने हैं, और जो ना आए वो आपको वीडियो के थ्रू समझने हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।